हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार वर्मा यूनिक अच्छा से, और आज हम फिर से बात करने वाले हैं मैनेजिंग ऑफ द नेटवर्किंग इन लिनक्स। राइट, सो पिछले सेशन में हमने देखा था कि आप अपने इथरनेट वगैरह को किस तरीके से चेक करेंगे, सो यूजिंग ऑफ द आईपी लिंक शो कमांड। राइट, और हमने देखा था कि आपका डिवाइस एंड कनेक्शंस का क्या कंसेप्ट है, आप अपने एक डिवाइस के ऊपर, एक इथरनेट के ऊपर कितने सारे कनेक्शंस बना सकते हैं। राइट, इस तरीके से, और हमने देखा था किस तरीके से आईपी एड्रेस को चेक करते हैं, और मैंने बात बताया था कि RHEL 6 में आप आईपी एड्रेस सेट करने के लिए सेटअप कमांड का यूज करते थे, जो सेटअप यहाँ काम नहीं करता है। सो हमारे पास जो अभी नया टूल है, दैट इज NMCLI, करेक्ट। सो चलिए देखते हैं। सो आईपी एड्रेसिंग असाइन करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द इथरनेट इन RHEL 8। सो RHEL 8 के अंदर जो इथरनेट का नेमिंग कन्वेंशन है वो हमें समझने की जरूरत है। राइट, सो आई थिंक अब मेरा ये सर्वर आप देख सकते हैं, करेक्ट। सो मैंने कमांड हिट किया आईपी लिंक शो, करेक्ट। सो अभी मेरे पास ऑलरेडी वन इथरनेट है जो फिजिकली मेरी मशीन पे अवेलेबल है, दैट इज ENS 160। राइट, सो ये ENS क्या है? पहले तो ये ETH 0, ETH 1, ETH 3, ETH 4 चला करता था, लेकिन अचानक से ये ENS का कंसेप्ट कैसे आया? चलिए इसके बारे में समझते हैं। डिस्क्राइबिंग नेटवर्क इंटरफेस नेम। सो पहले क्या होता था कि आपके इथरनेट के ऊपर जैसे मल्टीपल इथरनेट लगे हैं, चाहे वायरलेस इथरनेट है या PCI इथरनेट है, तो सबके नेम ETH 0, ETH 1 इस तरीके से हुआ करते थे। राइट, मैं RHEL 5, RHEL 6 की बात कर रहा हूं। उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी? मान लीजिए मेरे वायरलेस लैन कार्ड के अंदर दिक्कत है, या कोई ऑनबोर्ड इथरनेट के साथ दिक्कत है, इजीली मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सबका स्टेटस ETS दिखाता था। राइट, मुझे यही नहीं पता चलता था कि कौन सा मेरा वायरलेस इथरनेट है, कौन सा मेरा ऑनबोर्ड इथरनेट है, कौन सा PC इथरनेट है। राइट, कौन सा मेरा USB इथरनेट है, पता नहीं चलता था। सो रेड हैट ने क्या किया, RHEL 7 से उन्होंने इसका नेमिंग कन्वेंशन चेंज किया। राइट, कि अगर जो कोई भी इथरनेट है हमारे पास, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम EN। राइट, अगर हमारे सर्वर पर कोई वायरलेस लैन कार्ड लगा हुआ है, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम WL, वायरलेस। एंड जब हमारे सर्वर पर कोई वैन पोर्ट है, सो वो स्टार्ट होगा WW से। राइट, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी इथरनेट मेरा डाउन है, तो इजीली मैं जब लूप बैक टेस्टिंग करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। राइट, कि कौन से इथरनेट से मुझे रिप्लाई आ रहा है, कौन से इथरनेट से रिप्लाई नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए, रेस्ट ऑफ द इंटरफेस नेम आफ्टर द टाइप विल बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सर्वर्स फर्मवेयर और डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द डिवाइस ऑन द PCI टोपोलॉजी। राइट, अब ये देखिए, ये बोल रहा है ON। ON क्या बताता है? इंडिकेट दिस इज ऑन बोर्ड इथरनेट, दैट मींस अगर आपका कोई ENP ON है, दैट मींस इथरनेट ऑन बोर्ड है, वो ऑन बोर्ड माउंटेड है। फर्मवेयर प्रोवाइडेड द इंडेक्स नंबर, N फॉर द डिवाइस, ENO1 इज ऑन बोर्ड इथरनेट, इथरनेट नंबर 1, डिवाइस नंबर 1। मैनी सर्वर्स विल नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। जब आपके पास SN, इंडिकेट द डिवाइस PCI हॉट प्लग स्लॉट नंबर। सो ENS 3 इज एन इथरनेट कार्ड PCI हॉट प्लग, दैट मीन्स इट्स माउंटेड ऑन स्लॉट नंबर 3। ये स्लॉट नंबर 3 पर लगा हुआ है। मान लीजिए मल्टीपल सर्वर्स के अंदर स्लॉट्स होते हैं, PCI स्लॉट, वहां अपना आप इथरनेट लगा सकते हैं। राइट, ये फिर क्या बता रहा है, PMSN इंडिकेट द PCI, ये मतलब PCI इथरनेट है, M इन स्लॉट N, सो WLP4S0 इज द वायरलेस कार्ड ऑन PCI बस नंबर 4, चौथे पे लगा हुआ है। राइट, स्लॉट नंबर 0, मतलब जैसे स्लॉट का नंबर है ना, 1 2 3, इस तरीके से कार्ड इज मल्टी फंक्शनल डिवाइस। राइट, तो इस तरीके से ये हमें नेमिंग कन्वेंशंस प्रोवाइड कराते हैं।
रेल 7 से ये स्टार्ट हो गया, जो रेड हैट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू असाइन द आईपी एड्रेस ऑफ योर रेल मशीन। सो चलती है, अभी मैं अपने रेल सर्वर पे आ जाता हूँ, करेक्ट। सो यहाँ हमारे पास जो टूल है दैट इज NMCL। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कनेक्शंस कितने हैं। NMCLI, द कमांड इज कनेक्शन शो, ऑलवेज यूज द कॉमन सेंस। देखिए अभी मेरे पास ये डिफॉल्ट कनेक्शन दिखा रहा है ENS 160, ये इसकी UUID वैल्यू है, और ये बता रहा है ये जो डिवाइस का जो टाइप है वो इथरनेट है, और ये किसी भी डिवाइस से अटैच नहीं है, राइट। आप ये डॉट डॉट देख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने नाम से भी कनेक्शन बना सकते हैं, मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए NMCLI कनेक्शन ऐड, मैं पहला कनेक्शन ऐड कर रहा हूं। तो क्या बोल रहा है, कनेक्शन नेम बताइए। ओके, मैंने बोला कनेक्शन नेम इज संजय, करेक्ट। स्पेस दीजिए, कमांड लेंथ ही है। फिर ये बोलता है टाइप, दैट मींस डिवाइस का टाइप बताइए। डबल टैप प्रेस कीजिए, माइट भी आपकी मशीन्स पर वायरलेस लगा हुआ है, ब्लूटूथ लगा हुआ है, राइट। आपके मल्टीपल इथरनेट है, आपने टीमिंग कर रखी है, राइट। सो आप यहाँ से टाइप सेलेक्ट कीजिए, ब्रिज है जो भी है। तो हमारे पास अभी तो फ्रेश मशीन है, हमारा टाइप है सर इथरनेट, मैंने बोला इथरनेट। ओके, फिर ये बोलेगा इंटरफेस नेम बताओ। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल इथरनेट लग रहा है, तो जो ये जो कनेक्शन है किस इथरनेट के लिए बनने वाला है और क्या आईपी एड्रेस देने वाले हो, डबल टैप प्रेस करो। तो बोल रहा है कि आपके पास एक इथरनेट ENS 160 है, एक लूप बैक है, एक ब्रिज है, एक ब्रिज निक है। तो मैंने बोला ENS 160। ओके, वेरी गुड। फिर ये क्या बोलता है कि आप यहां पर आईपी एड्रेस जो दे रहे हो वो आप किस तरीके से देना चाहते हो। आपको आईपी एड्रेस मैनुअली देना है, या आपको आईपी एड्रेस DHCP के थ्रू देना है, करेक्ट। जो IPv4 डॉट मेथड, सो हमारे पास DHCP तो है नहीं, सो हमने बोला मैनुअल, राइट। ओके, तो फिर आईपी वर्जन 4v है, 6v है, तो हम तो आईपी वर्जन 4 के बारे में बात कर रहे हैं। आईपी वर्जन 4.addresses, करेक्ट। यहाँ आईपी असाइन करो, मैंने बोला 192.168.1.1/24, ये मेरा सबनेट मास्क हो गया, करेक्ट। अभी यहां पर मैं बोलता हूं कि इसको ऑटो कनेक्ट यस। ऑटो कनेक्ट यस का मतलब मैं आपको बता रहा हूं अभी, कि जब ये आप आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहीं जाके स्टोर तो होगा। तो हमारे एक पास फाइल होती है vim/etc/sys/config/network-ifcfg/your-connection-name, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका ऑन बूट नो होता है, तो ये ऑटो कनेक्ट उसको यस कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ओके, क्या बोल रहा है, कनेक्शन संजय सक्सेसफुली एडेड। चलिए चेक करते हैं NMCLI कनेक्शन एड, सॉरी शो नॉट एड। अभी आप देखिए ये संजय कनेक्शन अप है, और ये ऑटोमेटिक अटैच भी हो गया है क्योंकि आपके पास एक ही कनेक्शन था। चलिए आईपी एड्रेस शो करके देखते हैं। वाह, मेरी मशीन के पास आईपी एड्रेस आ गया। अब यहां पे ये सिंबल देखिए, ये नेटवर्क आपको बना हुआ आ रहा होगा और अप है। चलिए कैसे पता करेंगे, पिंग कर लेते हैं सर, पिंग 192.168.1.1। वाह, आईसीएमपी से रिप्लाई आ रहा है, परफेक्ट। कंट्रोल सी। ओके, तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, नेटवर्क सेव कहाँ जाके होता है, ये हमारे पास फाइल है vim/etc/config-network-ifcf/your-connection-name-ens160। So, ये तो ENS 160 कनेक्शन हुआ, लेकिन हमारे कनेक्शन का नाम तो संजय था ना, वहां मिलेगा ना आपको आईपी एड्रेस की डिटेल। तो
देखो, हाँ, आपने जो आईपी एड्रेस दिया था, ये आपका सबनेट मास्क, करेक्ट। और हमने ऑटो कनेक्ट जो किया था, दैट इज यस, ओके। अब इस फाइल के अंदर भी डायरेक्ट आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो अगर आपको ये कमांड लेंथी लगती है तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इस फाइल को टच ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेटिंग आपने मिसमैच कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये फाइल प्रॉपरली काम नहीं करेगी। और एक चीज और, अगर आप इस फाइल के अंदर कभी भी, जैसे ये ऑनबोर्ड बाय डिफॉल्ट आपको नो मिलता है, तो आप इसे मैनुअली यहाँ आके इंसर्ट मोड में जाके यस कर देंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर ये सर्विस जरूर रिस्टार्ट करनी है, फिर इसको परमानेंटली इनेबल करना है तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो NMCLI कनेक्शन शो, राइट। सो अभी मेरे पास एक कनेक्शन हुआ, अभी मैं क्या करता हूं, दूसरा कनेक्शन क्रिएट करता हूं। चलिए, NMCLI कनेक्शन ऐड, और आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, राइट। सो मैं ऐड कर रहा हूं एक दूसरा NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम इज ऑफिस, ऑफिस, राइट, टाइप इथरनेट, ओके, इंटरफेस नेम इज ENS 160, राइट, IPv4 डॉट मैथड, माई मैथड इज मैनुअल, करेक्ट, ये मेरा मैथड मैनुअल हुआ, राइट। यहां मैं IPv4 डॉट एड्रेस देता हूं, और मैंने यहां इस बार एक क्लास का आईपी लेता हूं, 10.1.1.1/8, एंड ऑटो कनेक्ट यस, सक्सेसफुली एडेड। NMCLI कनेक्शन शो आप यहां करते हैं तो देखिए आपको एक ऑफिस नाम का कनेक्शन बन जाता है। लेकिन अभी आपका अप कौन सा है, संजय। अगर मैं आईपी एड्रेस शो करता हूं तो ये देखिए आपको संजय वाले कनेक्शन का आईपी दिखा रहा है, लेकिन मैं तो चाहता हूं ये मेरा ऑफिस वाले कनेक्शन से अटैच हो, तो कैसे होगा। NMCLI कनेक्शन डाउन एंड कनेक्शन नेम इज संजय, आप मैसेज देख सकते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड, राइट। और यहां पर आपको NMCLI कनेक्शन अप, कनेक्शन नेम इज ऑफिस, इसको आप कीजिए, देखिए अप हो गया, एक्टिवेटेड आ रहा है स्टेटस, करेक्ट। स्क्रीन क्लियर कीजिए और ये देखिए आपको नया आईपी मिलेगा, राइट। आप यहां पिंग हिट कीजिए 10. देखिए वर्क कर रहा। तो आप इस तरीके से एक इथरनेट के ऊपर मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको जिस कनेक्शन को अप करना है उसको अप कीजिए, जिसको डाउन करना है उसको डाउन कीजिए, राइट। इस तरीके से हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, राइट। आई थिंक आपके समझ आया होगा, सो थैंक यू सो मच।